टोयोटा मोटर्स फाइनली अपने न्यू इनोवा हाईक्रॉस को 25 नवंबर को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और टोयोटा ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इंडियन स्पेक इनोवा हाईक्रॉस में एडास सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं और उन्हीं में से 5 एडास फीचर्स कंफर्म हो चुके हैं। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनोवा हाईक्रॉस के एडास में मिलने वाले फीचर नंबर 1 की, जो की है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। इस फीचर का यूज ऐसे होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी से चल रहे हो और आपकी गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है या फिर कोई कार आ जाती है, तो एक डिस्टेंस के बाद आपकी गाड़ी आपको साउंड और विजुअल अलर्ट देगी ब्रेक अप्लाई करने के लिए। पर उसके बाद भी अगर आपका ध्यान नहीं होगा ब्रेक अप्लाई करने के लिए तो गाड़ी इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगी। फीचर नंबर 2 है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो ये फीचर ऐसे काम करता है, तो अगर आप आपकी गाड़ी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट या फिर कार आ जाती है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो करती है और एक सेट डिस्टेंस पे गाड़ी को अगले वाली गाड़ी से आपकी गाड़ी को एक सेट डिस्टेंस पे रखती है। और जैसे ही अगली वाली गाड़ी या फिर ऑब्जेक्ट आपके रोड से साइड हो जाता है, तो उस टाइम पे आपने इस गाड़ी को जिस स्पीड पे क्रूज किया था 80 किलोमीटर पर आवर की या फिर जितने भी स्पीड पे आपने इस गाड़ी को क्रूज किया था, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उतनी स्पीड अचीव कर लेती है और उसी स्पीड पे चलती है। फीचर नंबर 3 लेन डिपार्चर अलर्ट। ये फीचर ऐसे काम करता है कि अगर आप किसी लेन में चल रहे हो और अगर आपकी गाड़ी गलती से लेन के बाहर जा रही हो, तो गाड़ी आपको एक विजुअल या फिर साउंड अलर्ट देगी और उसके बाद भी अगर आपने गाड़ी को लेन में वापस नहीं लिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को लेन के बीचों बीच सेट कर लेती है। फीचर नंबर 4 ऑटोमेटिक हाई बीम। इस फीचर का यूज नाइट ड्राइव के टाइम होने वाला है। गाड़ी को नाइट में ड्राइव करते वक्त अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही हो या फिर किसी रोड पे सिटी लाइट्स लगे हो, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लो बीम सेट कर लेगी और जैसे ही सामने वाली गाड़ी या फिर सिटी लाइट्स चले जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हाई बीम पे लाइट्स को सेट कर लेगी। ऐसे कुछ ये फीचर काम करता है। फीचर नंबर 5 रोड साइन असिस्ट। इस फीचर की मदद से अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो तो उस रोड पे बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे कि स्पीड लिमिट का साइन या फिर टर्न का साइन, ऐसे बहुत सारे साइंस रोड पे होते हैं। तो कई बार हमारा ध्यान जो है गाड़ी चलाते वक्त इन साइन बोर्ड की तरफ नहीं जाता, तो ऐसे में इस गाड़ी में एक फीचर आता है कि ये रोड पे लगे हुए साइन बोर्ड्स को डिटेक्ट कर लेती है और वही इसके डिस्प्ले पे शो करती है। तो ऐसे में अगर हमारा ध्यान नहीं होता गाड़ी चलाते वक्त, तो इसके डिस्प्ले पे वो सारे साइन बोर्ड्स जो कि रोड पे लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो ये 5 एडास फीचर्स आज टोयोटा मोटर्स ने इनोवा हाईक्रॉस के बारे में कंफर्म कर दिए हैं और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एडास फीचर्स भी इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाले हैं, जो कि हमें ऑफिशियली इनोवा हाईक्रॉस कल जब लॉन्च होगा उस टाइम पे हमें पता चल ही जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।